यस गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, स्टार्ट योर ई वी स्पीड। ओके लेट्स गो नाउ पेज नंबर 23। ओके हमारा 23 फोर नंबर चैप्टर का 22 तक हमारा काम कंप्लीट हो चुका था। ओके पेज नंबर 22 कंप्लीट हो चुका था। लेट्स गो नाउ पेज नंबर 23। ओके पेज नंबर हम 23 लेसन 4 माई फैमिली का रीड करते हैं। ओके यस स्टार्ट शेयरिंग इन ए फैमिली। शेयरिंग का यहाँ मतलब है कोई चीज़ को एक दूसरे के साथ शेयर करना, डिवाइड करना, ठीक है, हेल्प करना एक दूसरे के काम में, ठीक है ना। जैसे आपकी स्टडी में आपकी मम्मा हेल्प करते हैं ना, और कोई घर के काम में भी आप अपनी मम्मा की हेल्प करते हो, ठीक है, और पापा मम्मी भी एक दूसरे के काम में हेल्प करते हैं और चीज़ों को भी शेयरिंग करते हैं, ठीक है। कोई चीज़ होती है वो आप आपस में बांट कर खाते हो ना, डिवाइड करके, ठीक है, ये शेयरिंग का मतलब यहाँ पे ये है। ओके मेम्बर्स इन ए फैमिली केयर फॉर ईच अदर। जो परिवार के मेम्बर है, मेम्बर्स मतलब सदस्य हैं फैमिली, परिवार के जो सदस्य हैं वो एक दूसरे की केयर करते हैं, देखभाल करते हैं। ओके दे हेल्प ईच अदर एंड आल्सो शेयर द वर्क एट होम। वे एक दूसरे के काम में हेल्प करते हैं। ओके आवर पेरेंट्स अर्न मनी टू फुलफिल द नीड्स ऑफ द फैमिली एंड हेल्प अस इन आवर स्टडी। जो हमारे पेरेंट्स हैं फैमिली की आवश्यकता पूरी करने के लिए, पूरी आवश्यकता मतलब पूरी करने के लिए काम करते हैं, वर्क करते हैं, ठीक है, मनी कमाते हैं, अर्न मनी मतलब धन कमाते हैं, नौकरी करते हैं, ठीक है, और हमारी स्टडी में भी हेल्प करते हैं। दे टेक अस आउट ऑन कार ड्राइवर। वो हमें कार ड्राइव के लिए बाहर भी लेके जाते हैं। व्हेन वी फॉल सिक दे टेक केयर फॉर अस। जब हम बीमार होते हैं तो वो हमारी देखभाल करते हैं। ओके शेयर, यहाँ पे शेयर का मीनिंग डिवाइड दिया बेटा, कोई चीज़ एनीथिंग और एनी वर्क, कोई भी चीज़ या कोई भी वर्क को डिवाइड करना मतलब आपस में बांट कर कर लेना, या बांट कर कोई भी चीज़ होती है फैमिली में वो बांट कर खा लेना, ठीक है। ओके लेट्स गो नाउ बुक वर्क पेज नंबर 24। हम पेज नंबर 24 का बुक वर्क करते हैं। ओके सबसे फर्स्ट नंबर पे है राइट ट्रू एंड फॉल्स फॉर फॉल्स सेंटेंस। जो सेंटेंस दी गए सही है उसके आगे हम ट्रू राइट करेंगे, ट्रू का मतलब होता है सही और फॉल्स का मतलब होता है गलत। जो सेंटेंस हमारे सही है वहाँ ट्रू लिखेंगे, जो गलत है वहाँ पे हम फॉल्स लिखेंगे। फर्स्ट है पेरेंट्स एंड ब्रदर्स सिस्टर मैक ए स्मॉल फैमिली। जो हमारे माता पिता होते हैं, भाई बहन होते हैं, उनसे मिलकर एक छोटा परिवार बनता है। ये ट्रू है या फॉल्स है? ये ट्रू है बेटा, ठीक है ना। माता पिता और भाई बहन मिलकर एक छोटा परिवार बनाते हैं या उनसे मिलकर एक छोटी फैमिली बनती है। ऑल फैमिली लव एंड केयर फॉर ईच अदर ईच मेम्बर्स। जो फैमिली के मेम्बर होते हैं वो एक दूसरे की केयर करते हैं और एक दूसरे से प्यार भी करते हैं, ये भी ट्रू है। ओके नेक्स्ट है थ्री नंबर पेरेंट्स अंकल्स आंट्स एंड चिल्ड्रन लिव टुगेदर इन ए बिग फैमिली। बिग फैमिली में माता पिता, चाचा जी, ताऊ जी, ताई जी, चाची जी एंड उनके बच्चे मिलकर रहते हैं, एक साथ मिलकर रहते हैं, ठीक है ना। वो क्या हुआ, ये एक साथ मिलकर रहते हैं ना बिग फैमिली में, कौन सी फैमिली होती है वो बिग फैमिली होती है जब सभी मिलकर रहते हैं, तो है ये ट्रू है, ठीक है ना। नेक्स्ट है आवर ब्रदर एंड सिस्टर आर कॉल्ड आर कजन। जो हमारे रियल भाई बहन होते हैं वो कजन कहलाते हैं, ये फॉल्स है, वो कजन नहीं होते, वो सिबलिंग होते हैं, ठीक है ना, तो ये गलत है। नेक्स्ट है हु डज दीज थिंग्स इन योर हाउस। ओके ये आपके घर में जो ये सेंटेंस दे रखा है, ये काम कौन करता है वो आपको यहाँ पे राइट करना है। कुक्स फॉर यू, आपके लिए खाना कौन बनाता है? मदर। कौन बनाता है? मदर, ठीक है। टेक्स यू द टू द पार्क टू प्ले। आपको पार्क में खेलने के लिए कौन लेके जाता है? मम्मी पापा यानी पेरेंट्स लेके जाते हैं, मदर, फादर, ग्रैंड फादर, जो भी हैं, अंकल आंट, जो भी यहाँ पे लेके जाते हैं, आप अपने आप मेंशन करोगे आप जिसके साथ पार्क जाते हो। ओके
प्लान बर्थ से पार्टी फॉर यू, आपकी बर्थ से पार्टी का प्लान कौन मनाता है घर पे, वो यहाँ पे आप अपने आप नोट करोगे कि आपके परिवार में आपके जब बर्थडे आता है तो उस पार्टी का प्लान कौन मनाता है, मदर, फादर, कजन, ठीक है, जो भी आपके हैं मनाते हैं, वो यहाँ पे आप खुद मेंशन करोगे, ओके, राइट करोगे, ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे, गॉड ब्लेस यू।